व्हाट्स अप यूट्यूब, आप देख रहे हैं फिटनेस पंचायत। मेरा नाम है पीयूष और आज हम बात करेंगे वीडियो नंबर 3 बिगिनर्स वर्कआउट प्रोग्राम सीरीज की। तो आई होप आपने पिछली 2 वीडियोस देख ली होंगी। ओके एंड आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट अ जिम एंड योर ट्रेनर। ओके सो दोनों एस्पेक्ट हम कवर करेंगे इसमें। एंड तो चलिए शुरू करते हैं। ओके पहले जिम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे आपके ट्रेनर के बारे में। ऑलराइट सो पहले जिम के मैं कुछ पॉइंट्स जो बनाए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। राइट सो सबसे पहला पॉइंट है इजी एक्सेस टू द लोकेशन। इजी एक्सेस टू द लोकेशन का मतलब भी सबसे पहले आपको ऑब्वियसली पता ही होना चाहिए कि आपका जिम आपके पास है कि नहीं है, ताकि आपके पास ये एक्सक्यूज ना हो एटलीस्ट कि यार जिम बहुत दूर है आज तो हम नहीं जाना। एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए भाई, ये कंसिस्टेंसी एक लाइफ स्टाइल है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इसमें, तभी आपका कुछ हो सकता है। अदरवाइज ऐसा नहीं चलेगा कि चलो यार मंडे आज स्किप कर दिया, आज यार अलग अलग वर्कआउट है आज स्किप कर दिया, नहीं आज वेडनेसडे नहीं आज नहीं मन कर रहा, आज थर्सडे है नहीं आज मन नहीं कर रहा। तो प्लीज इस चीज़ का ध्यान रखें। राइट पॉइंट नंबर 2 इज पॉकेट फ्रेंडली। अब ऑब्वियसली आप शोशा के चक्कर में ना पड़े, आप किसी भी जिम में बॉडी बना सकते हैं। हाँ हालांकि हाँ उसमें इक्विपमेंट होने चाहिए। ओके सो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो जिम आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग कुछ जिम्स मंथली सर्विसेज चार्ज करते हैं, जैसे कि मेरा भी है, मेरा जो जिम है मंथली मंथली बेसिकली सर्विसेज ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो ऐसा ना हो कि फर्स्ट मंथ आप अफोर्ड कर पाएँ, नेक्स्ट मंथ आप अफोर्ड ही ना कर पाएँ। राइट सो ऐसा एक ही जिम ढूंढिए कि जो आपके बजट के अंदर है, ताकि आपका उसमें इजीली एक्सेस हो और जाने का आपका मन भी करे। ये था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 इज़ हेल्पफुल स्टाफ। जो भी स्टाफ होगा या जो जिम ट्रेनर्स हैं या जिम ओनर है या कोई भी जो भी आपको वहाँ पे बंदा या कोई भी मिल रहा है, तो वो एक तो पहली बात तो पोलाइट हो, बात करने में अच्छा हो, थोड़ी बहुत नॉलेज हो उसको, थोड़ी बहुत नहीं पूरी नॉलेज हो उसको। ठीक है तो ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ का जो स्टाफ है वो नॉलेजेबल हो, एंड साथ ही साथ बिहेवियर भी अच्छा हो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस भी आई थी जो लोग मारपीट भी होती है आजकल जिमों में चल रही है, अजीब सा है। तो ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखें, आप बात करते करते समझ सकते हैं वो तो जो भी ओनर या जिम ट्रेनर जिससे भी आप बात करने वाले हो। पॉइंट नंबर 4 जो है वो है मशीन्स इन गुड कंडीशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है कि जिस भी आप जिम में जा रहे हो वहाँ की मशीन्स एक अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डंबल उठाओ और डंबल का एक एंड बाहर आ जाए, आप रॉड उठाओ रॉड ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो, अजीब सा हो सिस्टम, जो केबल्स हैं मशीन्स की केबल्स अच्छी से वर्क ना कर रही हो, एक जैसे केबल क्रॉस है तो एक जगह टाइट हो एक जगह लूज हो, तो फिर मसल क्या ट्रेन होगा। तो ये चीज़ें हैं रहेंगी कुछ जो पॉइंट नंबर 4 में कवर है, कि आप ऐसे जिम में आप इंस्पेक्शन ज़रूर करें कि मशीन्स एक अच्छी कंडीशन में है। राइट पॉइंट नंबर 5 इज़ ऑलमोस्ट ऑल द मशीन्स आर अवेलेबल। अब होता क्या है कि कई जिम ट्रेनर्स या जो नए नए स्पेशली ये जिम जो खोलने वाले हैं आजकल, जो बहुत लोग आ गए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि सारी मशीन्स रखते ही नहीं हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा लोगों को जो मैंने जिमों में देखा है मशीन्स स्किप करते हुए, वो होती है काफ की। कई जिम्स में आप जाओगे और देखो कि काफ की मशीनें नहीं है, वो लोग आपको सीधा कह देंगे कि यार आप एक काम करो स्टैंडिंग काफ रेज कर लो और सीटेड में बैठ के बस ऊपर डंबल रख लेना और ऊपर नीचे करते रहना। यार उससे ढंग से ट्रेन नहीं होता है काफ। ठीक है स्टैंडिंग वाले में भी आप कितना डंबल आप हाथ में पकड़ोगे या ऊपर रखोगे या कोई भी तरीका अपना लो, वो चीज़ मशीन को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। राइट सो ये एक रिक्वेस्ट भी रहेगी मेरे जिम ओनर से जो भी शायद ये वीडियो देखें, कि आप मशीन्स पर्टिकुलर पार्ट के लिए जो होती हैं वो ना छोड़ें। राइट कि वो कोशिश करें कि आप जिमों में रखें, तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट आपके जिम को भी होगा और
नो लोग देखते हैं, और वैरायटी जितनी होगी जिम में तो कई लोग उसमें भी काफ़ी लोग आएंगे कि आपके नो बिजनेस भी बढ़ेगा, राइट? सो दिस इज़ द फिफ्थ पॉइंट ऑल अबाउट. सिक्स्थ है, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही समझ होना चाहिए इस चीज़ का, ये चीज़ जिम ट्रेनर्स को भी देखनी चाहिए कि जो लोकेशन है आपके जिम की वो किसी भी हेल्दी फूड जॉइंट के पास हो. जैसे कि अगर आपका जिम एक जगह है तो ये आपके लिए एक बिजनेस, सेपरेट बिजनेस भी बन सकता है कि आप एक हेल्दी फूड जॉइंट आप खोल सकते हैं साथ में, कि जैसे साइड में आपने कुछ चिकन ब्रेस्ट वगैरह उबाल के या एग्स वगैरह उबाल के आपने दे दिया. ऐसा ना हो कि आपका एक जिम प्रॉपर एक मस्त मॉल में है और मॉल के अंदर ही आपको मैकडॉनल्ड्स भी अवेलेबल है, आपको पिज़्ज़ा हट भी है, आपका डोमिनोज भी, आपके सारे के सारे जंक फूड जो भी ये लोग प्रोड्यूस करते हैं वो लोग भी हैं, या जिम के साइड में या जिम के साथ में ही कोई रेस्टोरेंट है जिसके अंदर आपको बतेरी नो अनहेल्दी चीज़ें वगैरह मिलती हैं. तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें. और देखो यार, अब ऐसा तो नहीं है कि आप खोलने वाला तो खुलेगा नहीं, बाद में भी खुल सकता है, बट फिर उस मामले में आप एजुकेट करें. अगर आप देख रहे हो कि आपके जिम से जो बंदा ट्रेन करके इमिजिएटली बाहर जा रहा है तो आप उस पर एक नज़र रखिए कि वो सीधा कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है या कहीं और जा रहा है, या फिर सीधा उसी जॉइंट में घुस के जो जिम में इतनी मेहनत करी वो सारी की सारी मेहनत बर्बाद कर रहे हैं. तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके जिम के आसपास हेल्दी फूड जॉइंट हो, नो ये अनहेल्दी फूड जॉइंट्स ना हो. पॉइंट नंबर 7, ओके, वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है. आप वर्कआउट कर रहे हो, आपको एक ऑक्सीजन की तो ऑब्वियसली ज़रूरत है ही, सो वेंटिलेशन होना चाहिए जिम में. अगर एसी वाला है तो एसी प्रॉपर चल रहे होने चाहिए, और अगर एसी वाला नहीं है तो फिर ओपन स्पेस टाइप सा कुछ एग्जॉस्ट और ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपको ऑक्सीजन की कमी ना प्रॉब्लम हो, क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे और ईजी रहे. एंड फाइनली पॉइंट नंबर 8 इज़ ओवरक्राउडेड. तो अब जिम जाने से पहले जिम ओनर से स्पेसिफिकली पूछ लें कि क्राउड वाला टाइम क्या होता है, तो वो आपको बता देगा कि ऐसे ऐसे टाइम पे उसका एक पीक टाइम है तो वो क्राउड वाला टाइम है, तो आप कोशिश करें उसमें अवॉइड करें जाना क्योंकि आपको इक्विपमेंट नहीं मिलेगा, फिर वही वेट करना पड़ेगा एक्सरसाइज के लिए, तो वो चीज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. आपके एक सर्टेन गोल है तो वो एक सर्टेन गोल ऐसे ही अचीव नहीं होते हैं, राइट? तो आपको एक सेट के बीच में से रेस्ट चाहिए, तो वो रेस्ट होना चाहिए, और इमिजिएटली रेस्ट के बाद आपको वो 30 सेकेंड्स के अंदर, सपोज आपको वो करनी है वर्कआउट, तो 30 सेकेंड्स के बाद आपके पास वो अवेलेबल होना चाहिए. सो दीज वर द पॉइंट्स, राइट? आप ये नोट कीजिए बिफोर ज्वाइनिंग अ जिम और बिफोर सेलेक्टिंग योर जिम, ऑलराइट? तो चलिए बात करते हैं अब आपके ट्रेनर के ऊपर. ओके, थोड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक, चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, ज़्यादा पॉइंट्स हैं नहीं इसमें बोलने के लिए मेरे, बट सबसे पहला पॉइंट यही है कि ट्रेनर सर्टिफाइड हो. सर्टिफिकेशन से मतलब एक प्रॉपर जगह से सर्टिफिकेशन किया हो उसने, राइट? तो वो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि उसे काफ़ी कुछ आइडिया है इस चीज़ का. हालांकि मेरे पर्सपेक्टिव से ट्रेनर सर्टिफाइड होना ज़रूरी नहीं है, ट्रेनर सही नॉलेज वाला होना चाहिए. वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ट्रेनर्स हैं वर्ल्ड में जो सर्टिफाइड नहीं होते लेकिन उन्हें सर्टिफिकेशन वाले लोगों से भी ज़्यादा पता होता है, क्योंकि वो चीज़ काफ़ी प्रैक्टिकल कर चुके होते हैं, काफ़ी चीज़ वो क्लाइंट्स हैंडल कर चुके होते हैं, काफ़ी लोग उनकी बॉडीज़ के बारे में काफ़ी पता होता है लोगों की, राइट? सो उनमें से एक मैं हूँ. मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ बट 7 ईयर्स हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, एंड बहुत सारे लोग ट्रेन कर दिए, ट्रांसफॉर्मेशन हुई हैं बहुत सारे लोगों की, राइट? तो सिंपल सी चीज़ है ये, ठीक है? तो हाँ, एक सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, वो मुझे भी पता है, मेरी भी होगी आगे जाके अगर मुझे इस चीज़ों में टाइम मिलेगा, क्योंकि मेरी जॉब भी है, मेरा बिजनेस भी है, दोनों चीज़ें मैं करता हूँ, फैमिली को भी टाइम देना है वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, राइट? तो ये है इशू सारा. एंड सेकेंड थिंग जो एक
आपके ट्रेनर के पास होना चाहिए वो है उसकी ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी से मेरा मतलब सीधा यही है कि यार आप अभी बिगिनर हो, आप आए हो एंड इमिजिएटली इज लाइक या शी इज लाइक ही इज लाइक शी इज लाइक, शब्द तो आजकल तो दोनों ही करने लगे। आप ना एक काम करो, आप ये प्रोटीन ले लो, आप ना एक काम करो, आप ये गेनर ले लो, आप ना एक काम करो, आप BCAA ले लो, ग्लूटामिन ले लो, क्रेटीन ले लो। अपनी दुकान खोल के बैठ जाएंगे सामने आपके कि यार ये लो, आपकी बॉडी ऐसे बन जाएगी। अब उसमें बहुत बड़ा हाथ उनके अलावा भी एक लोग है, वो है आप उनसे जाके बोलते हो यार मुझे 1 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में ऐसा बना दो कि मैं बस एकदम अलग। चलो सप्लीमेंट तक हटा दिया, सप्लीमेंट के बाद वो लोग केमिकल्स, टू बी स्पेसिफिक स्टेरॉइड्स, सब चीज़ आपको रिकमेंड करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ही क्या है? आप लोग ऑब्वियसली, क्योंकि आप लोग डिमांड करते हो तभी वो लोग नो इस चीज़ के पीछे भागते हैं। अब आप लोग बंद ही कर दोगे डिमांड करना तो वो लोग अपने आप से समझ जाएंगे भैया लेने वाला तो है नहीं, क्यों भैया मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। अब हाँ उनकी भी प्रॉब्लम्स है, मैंने माना कि इतना सैलरी है सब नहीं मिलता है, लेकिन यार स्टिल एक चीज़ देखना चाहिए कि आप सामने वाले को आप ट्रेन करें वो आप के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है और आप आपके ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहा है, तो आप ये ट्रस्ट ब्रेक ना करो, आप ऑनेस्ट रहो लाइक चीज़ों पे, राइट? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका ट्रेनर ऑनेस्ट हो, एकदम से कोई भी चीज़ ऐसे बेफालतू में कुछ भी ना ले किसी भी प्राइस पे। स्पेसिफिकली तो यही बात मैं बोलना चाहूँगा, 5,000 का डिब्बा है 5,500 का वो देगा और बाकी कंपनी से उनकी सेटिंग होती है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस पे सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो जो ट्रेनर्स हैं वो लोग परेशान करते हैं आपको, वो है दिखावा। ट्रेन जिम वाले लोग क्या करते हैं, जिम के ओनर्स, वो लोग स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों को हायर करेंगे जो दिखने में बहुत अच्छे हों, लाइक उनकी बॉडी बहुत अच्छी हो, ये हो वो, भले उन्होंने कुछ भी लिया हो, उन्हें कोई नॉलेज भी ना हो, उन्हें कुछ भी मतलब पता हो, कुछ भी ब्रो साइंस वाली टिप्स सारी बेकार बेकार सी अजीब अजीब सी टिप्स उनके पास हो, राइट? तो उन लोगों से तो स्पेसिफिकली बचो। और अभी होता क्या है, जब मैंने पिछले पॉइंट में भी एक्सप्लेन किया कि दिखावा है, दिखावे से मतलब है कि बॉडी तो है लेकिन वो बॉडी बनाई कैसे है पता ही नहीं है, और आपकी बॉडी के लिए फिर वो बंदा क्या कर सकता है जिसको अपनी बॉडी का ही नहीं पता कैसे बनाई है। आप उससे पूछोगे, ऑनेस्टी होगी तो वो बताएगा कि यार मैंने, अच्छा मैंने ये भी लिया, मैंने वो भी लिया, मैंने ऐसे लिया, मैंने वैसे लिया है। और लेकिन ट्रेनिंग के बारे में, डाइट के बारे में वो लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट, स्टेरॉयड, ये वो ये वो ये वो। तो यार नहीं, ऐसे लोगों से प्लीज बच के रहना जो दिखावा करते हो अपनी बॉडी। 2 बार यूं फ्लेक्स कर दिया 2 बार ही तो आप देखो हो मस्त बॉडी है इसको सब पता, तो भाई प्लीज नहीं। ट्रेनर याद रखिए, ट्रेनर बॉडी से नहीं, ट्रेनर यहाँ से होता है, राइट? जितना उसने पढ़ाई किया है, जितना उसने प्रैक्टिकल किया है, जितना उस चीज़ों को समझा है, सब चीज़ें होती हैं, तो हमेशा याद रखिए, नॉट फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर। सो दीज वर माई पॉइंट्स एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थोड़ी थोड़ी लंबी बनती जा रही है तो प्लीज़ बेयर विद मी, थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन मेरा थोड़ा सा ज़्यादा रहना है की कोशिश मैं करता हूँ इसको। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक इट इफ यू लाइक इट, ओके? एंड कमेंट कीजिए जो भी आपकी क्वेरीज हैं, fitnesspanchayat29@gmail.com पे कोई आपको अगर ट्रेनिंग टिप या पर्सनल ट्रेनिंग का नीड है, तो ज़्यादा पैसे मैं लेता नहीं हूँ, ठीक है? कम ही है मेरी फीस, आप उस पर मेरे को मेल कर सकते हो, DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट काफ़ी सारे स्लॉट्स खाली हैं। एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बी फिट।